नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहां भैंस चराने के लिए 25,000 रुपए महीना मिलता है। क्या किसी अति सामान्य काम करने के लिए आपको प्रतिमाह 25,000 सैलरी आसानी से मिल सकती है? जो भी हो, लेकिन भैंस चराने के काम के लिए आपको इतना वेतन मिलने से तो रहा, लेकिन नोएडा के गाँव में गाय भैंसों को चराने के लिए इतना पैसा मिल रहा है। साथ ही ऐसा काम है जिसमें आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। ये ऐसा काम है जहाँ पर आपको पिंक स्लिप का डर नहीं होगा और न ही किसी टेस्ट या इंटरव्यू का कोई झंझट। लेकिन अगर आपको यह कोरी गप लगती है तो सहरसा जिले के झकास कुमार से बात कर लें। वे भैंसे चराकर ही अपनी अच्छी कमाई कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर झट्टा गांव के किसानों में अपनी भैंसों को चराने के लिए झकास कुमार को भैंस चराने का काम नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि वे बिहार के सहरसा जिले से नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा काम मिल जाएगा। झकास कुमार के पास अभी 50 भैंसों का काम है और जैसे जैसे जानवरों की संख्या बढ़ेगी उनकी कमाई भी बढ़ेगी। इस मामले में गांव के सोहन पाल पहलवान का कहना है कि जो लोग आज भैंसों को चराने का काम कर रहे हैं, वे कुछ वर्षों पहले NCR और इसके आसपास के इलाकों में फसलों की बुआई कटाई का काम करने के लिए आते थे। और जहां तक किसानों की बात है तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वे गाय भैंसों को चराने के लिए पूरा दिन खर्च करें। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इन मजदूरों को भैंसों को चराने का विचार भी किसानों ने ही सुझाया। वे उनके भैंसों को चरा दिया करें और इसके बदले में प्रति भैंस 500 से 700 रुपए तक ले लिया करें। सुबह 8 बजे से इनका काम शुरू हो जाता है और वो भैंसों को खोल देते हैं और गांव के बाहर खेतों में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, भैंसों को चराने के साथ साथ हिंडन नहर या यमुना नदी में नहला भी देते हैं। शाम 5 बजे के बाद भैंसों का काफिला घर की ओर रवाना हो जाता है। यहाँ के चरवाह कहते हैं कि उनके गाँव के बहुत से लोग अब यही काम कर रहे हैं, इसमें पैसे भी ठीक मिल जाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद इलाके के गांवों में भी उन्हें काम मिल जाता है। इस काम में अधिकतर बिहार और पूर्व यूपी के लोग शामिल हैं।